मीटिंग से 10 मिनट पहले अधीर रंजन को मिली 6 लोगों की लिस्ट, उन्हीं में से 2 बनेंगे नए चुनाव आयुक्त। एक ने चमकाई हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की किस्मत, तो दूसरे ने दी पूरे हिंदुस्तान को गड्ढा मुक्त सड़क। ऐसे ईमानदार ऑफिसर का अधीर रंजन क्यों कर रहे विरोध, समझिए चुनाव से पहले माहौल बनाने की कहानी। क्या विपक्ष हार के डर से अभी से ही माहौल बनाने में जुट गया है और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी घूम घूम कर ये कहने लगे हैं कि चुनाव आयोग में बीजेपी अपने लोगों को बिठा रही है। हमने इस दावे की पड़ताल करने की कोशिश की तो जो जानकारी सामने आई उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और विपक्ष की आरोप प्रत्यारोप वाली पॉलिटिक्स की भी पोल खुल जाएगी। दरअसल 14 मार्च को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें 2 नए चुनाव आयुक्त के नाम पर चर्चा होनी थी, क्योंकि फरवरी महीने में एक चुनाव आयुक्त रिटायर हुए हैं और दूसरे ने बीते दिनों ही इस्तीफा दिया है, तो दोनों खाली पदों को चुनाव से पहले भरने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। चुनाव आयुक्त को चुने जाने की प्रक्रिया में चूंकि नेता विपक्ष को भी शामिल किया जाता है, इसीलिए अधीर रंजन चौधरी को भी बुलाया गया था, पर वो मीटिंग से बाहर निकलते ही ये कहने लगे, मैं जैसे ही दिल्ली आया मुझे 200 लोगों की लिस्ट मिली, 24 घंटे में उनकी जांच पड़ताल में कैसे करता, मीटिंग से 10 मिनट पहले इन लोगों ने 6 लोगों की लिस्ट पकड़ाई, इसमें 2 नाम फाइनल होने थे, पहला नाम सुखविंदर सिंह संधू का और दूसरा नाम ज्ञानेश कुमार का था। इन दोनों अधिकारियों ने हिंदुस्तान की जनता के लिए कई बड़े काम किए हैं, पर बावजूद इसके विपक्ष इनकी आलोचना कर रहा है, जिसकी एकमात्र वजह है इन दोनों अधिकारियों का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मंत्रालय से जुड़ा होना। ज्ञानेश कुमार 1980 बैच के केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, कुछ दिन पहले ही सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए हैं, उससे पहले गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर डिवीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई थी। सुखविंदर संधू 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, उत्तराखंड और पंजाब में 4 मुख्यमंत्रियों के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। जुलाई 2021 में इन्हें झारखंड में मुख्य सचिव बनाया गया था। एनएचएआई के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी सेवाएं दी हैं। एनएचएआई हाईवे से जुड़े सारे कामकाज देखती है। बीते कुछ सालों से जिस तरह से हाईवे के निर्माण हुए हैं, सड़कें गड्ढा मुक्त हुई हैं, उसका श्रेय भी नहीं जाता है, जबकि सहकारिता मंत्रालय ने छोटे बिजनेस को जिस तरह से आगे बढ़ाया वो काफी सराहनीय है। फिर समझने वाली बात यह है कि आखिर ऐसे लोगों का अधीर रंजन चौधरी विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या उन्हें अभी से ही चुनाव हारने का डर सता रहा है और अभी से माहौल बनाने में लगे हैं। परंपरा तो शुरू से यही रही है कि रिटायर अधिकारियों को चुनाव आयुक्त बनाया जाए। मोदी सरकार ने कुछ साल पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का प्रोसेस बदल दिया, जिसे लेकर भी खूब सारे सवाल खड़े हुए थे। सीईसी और ईसी की नियुक्ति अधिनियम 2023 जिसे 1991 वाले कानून से रिप्लेस किया गया है, उसमें कई बदलाव हुए हैं। अब कानून मंत्रालय इसके लिए योग्य दावेदारों को शॉर्टलिस्ट करता है, फिर वो नाम पीएम की अध्यक्षता वाली 3 सदस्य की कमेटी के पास भेजी जाती है, फिर वो नाम पीएम की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की कमेटी के पास भेजी जाएगी। इन 3 सदस्यीय कमेटी में पीएम के अलावा पीएम की ओर से नामित केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। इसी प्रोसेस के तहत नामों की लिस्ट पहले पीओओ के पास पहुंचती है, फिर बैठक में मंथन हुआ और राष्ट्रपति के पास अंतिम मंजूरी के लिए पहुंची, मतलब सब कुछ नियम के मुताबिक हुआ। जितने भी अधिकारी बड़े पदों पर पहुंचते हैं वो पहले कहीं न कहीं सेवाएं देते ही हैं। फिर विपक्ष माहौल क्यों बना रहा है, आपको क्या लगता है?